गुड मॉर्निंग। तो आज है पतिदेव का बर्थडे, तो हम मतलब मैं निकल पड़ी हूँ अभी थोड़ा सा घर से बाहर। थोड़ा सा मैंने सोचा कि जाके देखती हूँ थोड़ा सा केक वेक, बर्थडे प्लान करते हैं छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शादी के बाद अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जब मैंने पतिदेव का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया हो। ठीक है, तो इस बार कैसे छोड़ सकती हूँ, बट इंडिया का बात जो है वो अलग था। अभी यहाँ थोड़ा सा मैं नर्वस हूँ क्योंकि मुझे बाहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैं आज पहली बार अकेली बाहर निकल रही हूँ। ये पहली बार है जब से मैं आई हूँ, तब से आज फर्स्ट टाइम है जब मैं बाहर निकल रही हूँ अकेली। और चलते हैं, पहले देखते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें। मैंने सोचा है केक वगैरह लूँ और कुछ कुछ देखते हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए क्या क्या मिल पाएगा। तो यहीं पे सामने में ही मॉल वगैरह है, तो सब में देखती हूँ एक दो मॉल में जाकर कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और लेकर फिर वापस घर चलती हूँ। और चलिए फिर पहले मॉल चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। तो मॉल के अंदर तो आ चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। देख लिया, बहुत घूम लिया, देख भी लिया, बट तो फाइनली मिली गया मुझे वो चीज़ जो मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी। और ये है कैशियो जो कि खीर बनाने के लिए मुझे चाहिए था। तो ये है, ये वाला पैकेट जो है वो है $14 का, 14.79, मतलब 15, आप सोच ही लीजिए $15। और एक छोटा पैकेट भी है जो कि है लगभग $9 का, तो मैंने छोटा वाला ही ले लिया। और ये पता नहीं क्यों नाराज़ हो गए हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि लेना ही नहीं है। चले इसको नहीं लेना है, कौन सा लेना है। ओके, तो चलते हैं, अब देखते हैं केक। तो यहाँ पर जब मैं केक देखने आई ना, तो मैं एगलेस केक ढूंढ रही थी और यहाँ पर एगलेस केक नहीं था। यहाँ पर जो भी केक थे जिसमें मीट का यूज़ किया गया था, चिकन वगैरह, बहुत सारे वैरायटी के केक यहाँ पर अवेलेबल थे और एगलेस केक बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे जो एक चीज़ समझ में आई ना कि बिना एग का जो केक यहाँ पर मिल रहा था ना, वीगन, जिसमें मिल्क भी यूज़ नहीं किया गया था, तो वीगन केक उसे कहते हैं, जो कि यहीं आकर मैं सीखी हूँ। जो केक मुझे पड़ा $40, यानी कि ऑलमोस्ट 3200 का। कम या, इधर और है, इधर देखो बिट्टू, उसको छोड़ दो, छोड़, ये वाला देखो, ये वाला कितना सुंदर है, ये वाला ले ले। नहीं, मेरे पिंक वाला, पापा को पिंक पसंद नहीं आएगा। ओके, दिस वन, येलो वन, अच्छा ये वाला नहीं। पापा को पसंद नहीं आएगा, नहीं, पापा को पसंद नहीं। कौन सा पापा को पसंद आएगा? अच्छा मम्मी को बता दीजिए पापा को कौन सा पसंद आएगा। ऑरेंज वन, दिस वन, पापा को ऑरेंज वन पसंद आएगा, पक्का। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सी गन्नू, येलो। पापा को नन्नू पसंद आएगा। अच्छा ओके, पापा को ये रेड वाला पसंद आएगा, ये पसंद आएगा ना। ओके। तो अभी हम लोग ऑफिस के अंदर आ गए हैं क्योंकि हमारा जो की है वो काम कर नहीं रहा है और हम उसके बिना अंदर जा नहीं सकते। तो अभी हमने दिया है, रिचार्ज करना पड़ता है शायद, तो वो अभी करके देंगे, फिर हम लोग जाएंगे घर के अंदर। तो चाबी वगैरह जो भी था ना, उसमें पता नहीं सेंसर वगैरह कुछ होता है, तो उसका शायद बार बार रिचार्ज करना पड़ता है शायद, मे भी, मुझे नहीं पता। तो हमने वो करवा लिया,
तो सामान इतना ज्यादा हो गया है ना। चाइट चाइट चाइट। हेलो। तो ये रहा हमारा केक और इसमें है कुछ मिल्क वगैरह। अभी खीर बनाना है। इसमें जो भी छोटे बहुत छोटे बड़े सामान थे वो है। और ये रहा फ्लावर। टाइम हो गया है पतिदेव के आने का और वो कभी भी आएंगे, तब तक मैंने यहाँ पर ये निकाल के रखा है ये कार्ड। इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा है। ये रहा कैंडल और ये रहा फ्लावर। ये फ्लावर बाबू ने पसंद किया है, मैं जो ले रही थी इसने मुझे लेने ही नहीं दिया। और यहाँ है एक हुडी है जो कि मैंने पसंद किया है। अब पता नहीं, देखते हैं कि इनको पसंद आता है कि नहीं। तो ये है और केक मैंने फ्रिज में रखा है। तो फिलहाल अभी वो आए नहीं है, वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी कभी भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ खाने की भी प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि खीर बनाऊँगी, क्योंकि मैं ये चावल भी लेकर आई हूँ और ये काजू का पैकेट ये भी मैं लेकर आई हूँ। बड़े ढूंढा मैंने, तब जाके ये काजू का पैकेट मुझे मिला है। तो अब फटाफट से खीर बनाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे यही लगता है। ये बन जाएगा, उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें आराम से बनाती रहूँगी। तो ये सबसे पहले बना के रखना ज़रूरी है। तो केक वगैरह कट गया है और यहाँ पर थोड़ा बहुत चल रहा है नाश्ता वास्ता। तो कैसा लग रहा है चाउमीन? बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है, यम्मी है। आपको तो पसंद ही नहीं है, जी उठे। तो अभी और पूछ लेते हैं सबसे कि किनको किनको कैसा कैसा लगा। तो आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब से मैं US आई हूँ तो नूडल्स खाने के लिए मैं बहुत बेचैन थी। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। सच में या झूठ? नहीं, सच में। अच्छा लगा। चलिए, तो इसके बाद से ना जो भी वीडियो है वो सारी एनिवर्सरी की है हमारी, क्योंकि 3-4 दिन के बाद ही हमारी एनिवर्सरी थी। और एनिवर्सरी में व्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो ये छोटे छोटे वीडियो हैं जिन्हें ऐड करके मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये सारी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी मैं लेट हो गई, क्योंकि मैं यहाँ शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन अब रेगुलर रहूँगी।